समझते हो बड़ी, एक औरत होने के नाते तो समझते हो बड़ी, जो कोई गैर औरत आके किसी का पति छीन ले उस पर बेवजह हक जमाने लगे तो कितना दुख होता है, समझती हूँ मैं। लेकिन मैं यकीन मानी बड़ी, मुझे आपके इस दर्द का कोई अंदाजा नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि मुझे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं पता था बड़ी कि कोई इतना कर सकता है, कि किसी के झूठ को इस कदर खरीद सकता। गलती हो गई बड़ी, जाने में इसे मैंने आपको बहुत दुख पहुंचा है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बड़ी, माफ कर दीजिए। आपने आपने सिमर की आवाज सुनी ना, उसमें एक रूहानी कशिश माता रानी का वरदान सरस्वती माँ की देन है। मैं उसे कैसे सपोर्ट नहीं करता बड़ी माँ, आप भी सोचिए बड़ी माँ। आरुष बिल्कुल सही कह रहा है, प्लीज सिमर को माफ कर दीजिए। उसके लिए संगीत उसकी पूजा है, आराधना है, उससे उसका संगीत मत छीनिए। बड़ी माँ, हम में से किसी को भी नहीं पता था कि आप पर क्या बीती, लेकिन यकीन मानिए आज आपका दर्द हम सब महसूस कर सकते हैं। लेकिन बड़ी माँ, सिमर भाभी जानबूझ के आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगी, कभी नहीं। मानती हूं कि सिमर से भूल हुई है, पर अनजाने में हुई है ना माँ। इस बच्ची का दिल साफ है, इसके दिल में कोई खोट नहीं है, आप भी जानती है बड़ी माँ, आप जानती है। माँ, मैं आपके हर गम का हमराज रहा हूं, आपकी हर तकलीफ को मैंने महसूस किया है। मैं अच्छे से जानता हूं कि इस औरत के कारण आपको कितनी तकलीफ हुई है। लेकिन माँ, आप सिमर की ओर देखिए, ये तो एक ढाल बनकर हमारे हर दुख हर तकलीफ में इस परिवार के सामने खड़ी रही है। तो फिर इस बच्ची की किसी और से तुलना करना तो ज्यादती होगी ना बा। उस औरत ने इन्हें कितना बहलाने फुसलाने की कोशिश की, लेकिन देखिए ना मां, ये कहीं नहीं गए। ये दोनों अब भी अपनी बड़ी मां के पास है, क्योंकि इनके लिए इनकी बड़ी मां से बड़ा और कोई नहीं है। मां, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज एक मौका दे दीजिए। आपने जिंदगी में जिस पर भी सबसे ज्यादा विश्वास किया उसने हमेशा हमारे साथ विश्वासघात ही किया है। उसके बावजूद हमारे दिल में एक उम्मीद थी कि हमारी सिमर हमें कभी धोखा नहीं देगी, लेकिन तुमने भी हमारा दिल तोड़ दिया। तुमने भी बड़ी बात,
प्लीज माफ कर दीजिए प्लीज बलिमा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बड़ी, दिल से शर्मिंदा। एक बार तो मेरी बात सुन लीजिए ना बड़ी। कहती हूँ आपके बेटी से इस तरह मुफ्त थोड़ी बड़ी। प्लीज प्लीज एक बार मुझे मौका दे दीजिए बड़ी माँ, एक मौका दे दीजिए प्लीज बड़ी माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बड़ी माँ। सच में कह रही हूँ, तुम्हारे लिए किसी दिन मैं सिमर की जान ले लूंगी, या तो खुद खुशी खुशी मर जाऊंगी। चॉइस इज योर्स। तुमने आज जो किया है ना तम, उसके लिए मौत भी काफी छोटी सजा है। हाउ कुड यू डू दिस? अरे भाई भाई छोड़ी, हाउ कुड यू डू दिस? छोड़ी, तू देखा इसने क्या किया? देखा तूने? मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। प्लीज जाइए, प्लीज गो। हे यू How dare you, huh? हारु को यहाँ से क्यों भेजा तुमने? Do you have any sense? तुमने हमारा इतना amazing romantic moment spoil कर दिया। हाय हारु। I can't believe you, Rami. तुमने आज आरव भाई को इस सब करने पर मजबूर कर दिया। अरे वो इंसान जो औरतों की इज्जत करता है, उन्हें देवी मानता है, उसने अगर आज तुम पर हाथ उठाया है तो मतलब सच में पानी सर से ऊपर जा चुका है। हारू, हारू टच्ड मी। भाई, व्हाट इज दिस? आप शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। वो जानबूझ के ऐसा कर रही है, वो हमें प्रोव करना चाहती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसकी हर चीज की एक लिमिट होती है, खत होती है। आई नो, आई नो, आई नो, बट प्लीज हमें उसके प्लान का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि हमें उसे मात देना है, उसकी हर चाल को मात देना है। बस सिमर भाभी। सिमर? सिमर क्या हुआ? वो चली गई। कहाँ चली गई? आइए मैं बताता हूँ। अरे कहाँ चली गई? यस, अच्छा हुआ वो सिमर यहाँ से चली गई। अब आरू, आरू सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहेगा। Yes. Thank you. बताएगा मुझे सिमर कहाँ गई है? आई होप। आरव, सिमर किसी काम से बाहर गई है। बताया तो नहीं थी कि कहाँ गई है, पर कह रही थी कि कुछ घंटों में वापस आ जाएगी। किसी काम से? उसने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया, बताया नहीं कुछ। उसने जाते जाते बस यही कहा है कि उसे एक बहुत जरूरी काम खत्म करके आना है। सिमर? माँ, समर। हाँ है तो सही, लेकिन हुआ क्या? समर, समर! सिमर? इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या हुआ सिमर, तुम ठीक तो हो ना? अभी ये सिमर क्या? ये घर सिमर का भी, अगर वो चाहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ तो उसके इस फैसले में हम सब लोग साथ में। इंदु आप चलिए। सिमर मैं जानता हूँ कि तुम नाराज। सिमर इसके आगे एक शब्द और मत कहना सिमर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बार बार कह चुकी हूँ, और आगे भी मेरा यही जवाब होगा।
नो मींस नो सर। गेट आउट ऑफ हियर, अभी निकलो यहां से। कैसे बताऊं कि उस समर और यामिनी देवी की वजह से मैंने अनजाने में बड़ी माँ का कितना दिल दुखा, उनका भरोसा तोड़ा, उनको ठेस पहुंचा, तेरी बड़ी माँ को, तेरी बड़ी, वो बड़ी माँ जो मेरी मेरी अंतरात्मा की आवाज, मैंने उनका दिल दुखाया तो उन पर क्या बीतरी होगी। मैं खुद से नजरे नहीं मिला पाऊंगी, नहीं मिला पाऊंगी। बड़ी माँ, ना तुमने हमारा दिल तोड़ा है, ना तुमने हमारा विश्वास खोया है, बल्कि तुमने तो हमारे जीवन की उस नासूर, उस पल पल पनपते जख्म को जड़ से उखाड़ फेंका है। जानते हो सिमर, हम अपनी जिंदगी में कभी पूरी तरह से खुश नहीं हो पाते थे। हमारी कोई भी खुशी कभी मुकम्मल नहीं होती थी, क्योंकि वो एक टीस, एक दर्द हमेशा हमारे जहन को कचोटता रहता था। तुमने उस दर्द से हमें निजात दिला दी, हम आजाद हैं, और ये आजादी तुमने हमें दिलाई सिमर, तुमने। वो गीतांजलि देवी भी अंदर है सिमर के साथ। फाइनली इन दोनों का भरत मिलाप हो ही गया। वो कहते हैं ना, इंसान जोश में होश खो बैठता है, और आज ठीक वही सिमर के साथ हुआ। उसने हमारे ऊपर उस औरत को चुनकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। उसने न केवल हमारा अपमान किया, बल्कि इस कंडे को ठुकरा कर अपने भविष्य, अपनी कला सबसे मुंह मोड़ लिया। पछताएगी, बहुत पछताएगी सिमर। इस कंडे को संभाल कर रखो सिमर। क्योंकि सिमर और उसकी प्यारी बड़ी मां को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि हम इन लोगों के साथ क्या क्या करने वाले हैं। इन्हें क्या लगता है कि ये जंग जीत गए हैं? अभी तो असली जंग शुरू भी नहीं हुई। केवल जंग का ऐलान हुआ है।
और इस जंग के खत्म होने से पहले पहले गीतांजलि देवी ओसवाल और उसका पूरा साम्राज्य तबाह हो जाएगा। हम सिमर के ससुराल को तबाह कर देंगे, उसे मिट्टी में मिला देंगे और ये हमारा खुद से वादा है। सिमर, तुम हमारी जिंदगी में एक नई उम्मीद बनकर आई हो। असली मायनों में तुम हमारी ताकत हो। हाँ बड़ी, अब जब हम दोनों साथ हैं तो कोई हमारे परिवार की तरफ बुरी नजर तक नहीं डाल पाएगा। हम दोनों मिलकर इस परिवार का मजबूत ढाल बनेंगे। बड़ी मां, माँ दुर्गा की कसम, हम अपने सिमर के ससुराल को कोई आंच नहीं आने देंगे, कभी भी नहीं। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। कभी सोचा नहीं था कि ये गुच्छा मुझे इतना सूट करेगा। अब इस चुड़ैल को घर की चाबी का गुच्छा चाहिए? बड़ी माँ इसे स्टोर की चाबी ना दे। बढ़िया ही। वाओ, जस्ट सो प्रिटी, देसी इंडियन ब्राइड, बिल्कुल वैसी जैसी आरू को पसंद। प्रिटी माय फुट, मिट्टी है तू मिट्टी, घर का कचरा कूड़ा वो लगती तू धामी। तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू याद रखेगी। हेलो, धामी हैज डन इट, मैंने करके दिखा दिया। वो सिमर यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। आहा, चली नहीं, दुम दबा कर भाग गई है वो। या फिरंगी धामी, मेरी बहन को इस घर से भगाएगी, तेरी तो अब जो जो चीजें मेरी है उसे क्लेम करने का टाइम आ गया है। हेलो डॉक्टर, हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कैन यू हियर मी? अब आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आप मेरे साइकेट्रिस्ट हैं, तो आप ही को पता कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। So you tell me, क्या ये मेरे लिए सही है? कौन सी डॉक्टर से बात कर रही? डॉक्टर पंकज तो मर चुके हैं ना?